हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राघवेंद्र आर्ट गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम लिपन आर्ट के साथ बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत कैंडल होल्डर, जिनसे आप अपने घर को दिवाली पर या किसी भी फेस्टिवल पर बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे आप कांच के ऊपर, किसी ग्लास के ऊपर लिपन आर्ट कर सकते हैं और कौन से कलर आपको कांच के ऊपर करने चाहिए बहुत ही लंबे समय तक रखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अब मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है लिपन आर्ट जब आप किसी कांच के सरफेस के ऊपर कर रहे हैं। तब जिस भी ग्लास के ऊपर आपको अपना काम करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर कहीं भी जैसे हमारे हाथों से मॉइस्चराइज़र लग जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप उसको बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन करें, तभी अपना काम करना उसके ऊपर आप स्टार्ट करें। सेकेंड नंबर आता है कलर। जब भी आप कलर कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, उससे पहले आपको जैसो लगाना है। जैसो के सूखने के बाद ही आप उसके ऊपर कलर लगाएं। अगर जैसो आपके पास नहीं है तो आप कलर को डबल कोट भी करके काम कर सकते हैं। फर्स्ट कोट को सूखने के बाद ही आप उसके ऊपर दूसरी कोट लगाएं, तभी आपका जो कलर है वो बहुत अच्छे से आएगा। कौन से कलर ग्लास के ऊपर सबसे अच्छे रहते हैं वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। अब थर्ड नंबर पर आता है हमारा कोन मेकिंग। कोन मेकिंग के लिए यहाँ पर मैंने फेविकोल MR और बेबी पाउडर लिया है, क्योंकि जब भी आप किसी ग्लास के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बेबी पाउडर से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट लिपन आर्ट बनानी है तो उसके लिए आप चॉक पाउडर, मार्बल डस्ट पाउडर या फिर वॉल पुट्टी भी ले सकते हैं। वॉल पुट्टी से जो कोन बनता है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो डाल दूंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपको जो ध्यान में रखना है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो आता है, जब भी आप कोन के साथ काम कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है आपको पेस्ट बनाते हुए उसमें पानी नहीं ऐड करना है। आप जो भी मिक्स करने के लिए भी जो बर्तन ले रहे हैं वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो जो आपके कोन हैं वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलेंगे और जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगे। आप अगर क्ले के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ये डिज़ाइन जो भी मैंने बनाए हैं इनको क्ले के साथ भी बना सकते हैं। अब बना लेते हैं अपना सेकंड कैंडल होल्डर। इसको बनाने के लिए मैंने, आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसको उल्टी साइड से बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मैं इसको उल्टा रख के यूज़ करने वाली हूँ। मुझे इसके अंदर कैंडल रख के ऊपर की साइड जो इसमें स्पेस रहेगा वहाँ से जो लाइट्स बाहर आएंगी मुझे वो चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको सीधे बनाना है, तो आप इसको ऊपर की साइड से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको भी अपने घर को अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से सजाना बहुत पसंद है। अगर आप भी पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से अगर आप कुछ भी ट्राई करते हैं और बनाते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा रहता है 5th पॉइंट, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूं आपको कौन से कलर हैं जिनसे आप अपने काम को बहुत लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं और एज इट इज़ रख सकते हैं, वो कलर बहुत जल्दी से नहीं निकलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अब ये हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। अब बारी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया तीनों में से, उस कैंडल होल्डर की। तो चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा कैंडल होल्डर सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है इसको बनाते हुए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप बात कर लेते हैं कलर की, तो मैंने यहाँ पर ये वाले कलर लिए हैं। ये कलर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है अभी जहाँ मैंने यहाँ कलर किए हैं। तो यहाँ पे जब मैं डिज़ाइन बना रही थी तो इसको निकालने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, ये बहुत आसानी से नहीं निकल रहे थे। नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर होते हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, इसको निकालने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो ये कलर जो हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं किसी भी कांच वाले सरफेस के लिए, या कहीं आपको कुछ भी ब्राइट बनाना है, बहुत ही अच्छा सा कुछ बनाना है तो वहाँ भी आप ये कलर ले सकते हैं। अब सबसे पहले आप पेंसिल की हेल्प से उसके ऊपर डिज़ाइन बना लें जो आपको पसंद है, या फिर आप ट्रेस भी कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद जो डिज़ाइन के अंदर का पार्ट है उसको आप पेंसिल की हेल्प से निकाल दें, थोड़ा आप उसको घिसेंगे तो वो निकल जाएगा। ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमारे मेरे पास ये ग्लास है वो बहुत नाजुक होते हैं, तो अगर ज़्यादा प्रेशर आप उसके ऊपर डालेंगे तो वो हो सकता है टूट भी जाए। तो उसको आप बहुत धीरे से करें, बहुत संभल के करें। ये करने के बाद टिशू की हेल्प से उसको साफ़ करें और अपना डिज़ाइन जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर बनाएं। मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन यहाँ नहीं बनाया है, आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार और बोलती हूँ, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Bye-bye. Take care.